हाँ जी भाई जी, पहला सवाल आप जी दा। मेरा पहला सवाल वीर जी, सत टापुआ दा नगर किसनू कहा जाता है? सत टापुआ दा नगर किसनू कहा जाता है? करो कमेंट ते सोच के दियो इस सवाल दा जवाब। जिन्हों पता जिन्होंने नहीं पता 5 सेकंड वेट करो, मैं जवाब देने की कोशिश करांगा। भाई जी, सत टापुआ दा नगर, इहदा मतलब उत्थे पानी बहुत ज्यादा होएगा, उत्थे समुद्री जहाज भी आंदे होणगे, समान समुन भी आंदा जांदा होएगा, हुण उत्थे फिल्मां फुल्मां भी बनदियां होणगियां बहुत ज्यादा। अच्छा, समझ गए ना भाई? हाँ, इहदा जवाब है मुंबई। जी बिल्कुल सही जवाब दित्ता जी। हिंट भी देना होंदा ना? हाँ हाँ जरूर। ठीक है, फिल्मां बनदियां ने, समुद्री जहाज आंदे ने, इहदा जवाब है मुंबई। मुंबई। हाँ जी पंजी, अगला सवाल जी। मेरा सवाल वीर जी, भारत दे हो जे किन्ने सूबे आ और केड़े केड़े आ जिन्हां दे नाम दे पिछे प्रदेश शब्द आंदा है जी? वाह, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पंजी लेके आए ने। भारत दे केड़े केड़े हो जे सूबे ने जिन्हां दे नाम दे पिछे प्रदेश शब्द आंदा है और किन्ने ने? करो कमेंट से सोच के दे जवाब। जीके का सवाल है, साड़ी वीडियो नू पूरा जरूर देखा करो, अखीर तक जरूर देखा करो और बच्चों के नाल जरूर साझा कराया, स्टूडेंट के नाल भी जरूर साझा कराया करो, क्योंकि ये जो सवाल जवाब ने कहीं ना कहीं एग्जाम के भी आ ही जाते हैं। ठीक है जी, सो पांच इहो जिहे सूबे ने भैन जी जिन्हां दे नाम दे नाल प्रदेश शब्द आंदा है, तुसीं काउंट करो, मैं गिनदा हाँ जी। सब तो पहले था आंध्र प्रदेश। मैं काउंट करा, तुसीं गिनदे हो? मतलब मैं बोलदा हाँ, तुसीं काउंट करो। कर दी। आंध्र प्रदेश। हाँ जी। उत्तर प्रदेश जी। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है वीर जी। हाँ जी भैन जी, अगला सवाल जी। मेरा सवाल वीर जी, वो किहड़ा देश है जिसका पहला अक्षर कट दिता जावे तो किसी खाने वाली चीज का नाम बनता है? जिदा पहला अक्षर कट दिता जाए तो किसी खाने वाली चीज़ का नाम बनता है? करो कमेंट से सोच के दो इस सवाल का जवाब। केड़ा वो देश है जिदे पहला अक्षर कट दिता जाए तो खाने वाली चीज़ का नाम बनता है? चीनी ना बोलियो। नहीं चीनी नहीं है भैन जी, चीनी के नाल तो फिर चीनी नाल तो चीनी ही बनेगा ना, चाइना। मैं पूछा सीगा किसी नु, कहंदे चाइना। चाइना दे नाल ते चाइना का चचा कटता तो ईना हो गया। ईना कड़ी खाने वाली? ईनो तो हो सकता है, ईनो लेकिन ईना नहीं बनती, खाने वाली चीज है ना। इहदा जवाब है जी जापान। जापान दा जज्जा कट दो ता पान बन जाएगा। हाँ जी भैन जी, अगला सवाल जी। मेरा सवाल वीर जी ए है, तो बड़े सीरियस होके सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सवाल मेरा ए है वीर जी, एहो जी केड़ी चीज है जिन तुसी बिना हाथ फड़े रोक सकदे हो? बिना हाथ फड़े रोक सकदा? रोक सकदे हो। आत्मा। ठीक है, आत्मा नु बंदा रोक नहीं सकदा ना। हाथ पाण दी कोशिश करोगे नु रोकोगे किदां? हां, मैं फड़न दी कोई फड़ी नहीं जांदी आत्मा दा, रुक जाओ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰੋ, ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਹ। अगला सवाल जी। मेरा आखरी सवाल है वीर जी, ओ केड़ी कली है जो बागा विच नहीं खिलदी, सिर्फ घर दियां कंधां ते खिलदी है? ओ केड़ी कली है जो बागा विच नहीं खिलदी, सिर्फ घर दियां कंधां ते खिलदी है? ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਨੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਫਨੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਛਿਪਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਛਿਪਕਲੀ। ਛਿਪਕਲੀ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਈ ਹੇਟ ਇਟ। ਯੂ ਹੇਟ ਇਟ? ਆਈ ਆਲਸੋ ਹੇਟ ਇਟ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋ ਸਿੰਘ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।